सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार नबाको भयो गरल अमृत ज्यो पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। मीरा जी का कल चरित्र यहाँ तक हुआ था कि वे राज द्वारका के लिए चल पड़ी। एक चरित्र और नागरी दास जी ने उनका लिखा है। चलने के पहले एक और घटना घटी थी। राणा जी गुप्तचरी भेजते थे। गुप्तचरी माने CID कि ये रात कैसे काटती हैं और यद्यपि पहले का चरित्र है लेकिन नागरी दास जी ने लिखा है। तो वो जो भी जाती थी वहां राजा की आज्ञा थी गुप्तचरी है रात भर जागती थी। मीरा सोती नहीं थी। बिरही व्यक्ति सोता नहीं है। ऐसा हमने यहां देखा एक महापुरुष पंडित हरिश्चंद्र जी को। 55 साल पुरानी बात है। एक ही साल हम उनको देख पाए। कभी सोते नहीं थे। एक घंटा लेटते थे बस। हमें इसलिए पता हम ये तो चौड़ा बना दिया घाट इन लोगों ने कुंड छोटा करके। इस सीढ़ी पर हम बैठे रहते थे तो सामने उनका हाँ वो जंगला है। बैठे रहते थे रात भर। बुढ़े थे बहुत वृद्ध थे। तो हमारा आकर्षण इसीलिए हुआ कि अरे ऐसे महापुरुष। पहले हमने तुलसीदास जी का एक पढ़ा था। डासत ही गई बीत निशा कबहू न नाथ नींद भरी सोयो। कभी नींद भर के सोए ही नहीं गुसाई जी सारे जीवन। भाई साधन जब ठीक से बनता है तो सब विकार चले जाते हैं। काम क्रोध वगैरह ये सब राग द्वेष ये सब खत्म हो जाते हैं। जो नादिकाल की बीमारियां लगी हुई हैं। भगवान ने इस बात को कहा कि भावना हृदय में और बुद्धि विचार ये दोनों जड़ से चले जाते हैं। मेरे में मन लग जाए मई एवं मन आधस्व मई बुद्धिम निवेश है।
निवशिष्यस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम् न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। 12वें अध्याय में 8वें श्लोक में कहा संशय नाम की चीजें नहीं है, ये सब विकार तो रह ही नहीं सकते। और जब मन भगवान में नहीं है तो फिर दुनिया भर के राग द्वेष ये सब चित्त में आते रहते हैं, ये अनादिकाल के हैं। युक्त हो तो सब बात ठीक है, युक्त साधन में लगा है, अयुक्त को कभी नहीं चैन लेने देंगे। चाहे जंगल में चले जाओ चाहे साधु बन जाओ, भगवान ने 2:66 में कहा है नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। नचा भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम्। कोई आदमी अशांत है, क्यों अशांत है? क्योंकि उसकी भावनाएं और बुद्धि दोनों ही अपना स्थल छोड़ चुकी हैं, स्थित प्रज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? अयुक्त हो गया है। युक्त व्यक्ति को तो लंका में भी विभीषण भजन करते थे, और जो अयुक्त व्यक्ति ही हम जैसे लोग उनको मंदिर में रख दो चाहे कहीं रख दो चाहे भक्त समाज में रख दो, तो सदा ही अशांत विषाद युक्त दुखी रहते हैं। तो जो साधन में लग जाता है, हमने देखा पंडित जी महाराज बहुत वृद्ध थे, उन्हीं की सेवा किया था मौनी बाबा ने, तो शरीर से अग्नि प्रकट भई थी उनकी, जीवन भर किसी से न लिया, क्या खाते थे क्या पीते थे पता ही नहीं, कभी पत्ता उबाल के पी रहे हैं। कुछ बड़े बड़े इस वन में महापुरुष देखे हमने, युक्त देखे। अयुक्तता का कहीं नाम नहीं, शांत समुद्र जैसे, जिन्होंने दर्शन किया जानते हैं। मौनी बाबा कभी जीवन में किसी से बोले नहीं, वहाँ आपने सामने गुफा में पड़े रहते, पतला शरीर, अभी एक फोटो है उनकी यहाँ, बिजली की तरह पतला सींक जैसा, पेड़ों में खड़े हैं, दूर से खींच लिया गया था, पता नहीं पड़ रहा कि कोई खड़ा है, बस एक लकीर सी आ रही है, इतने दुबले। माया फाया क्या चीज है? तो मीरा ने पहले कहा है जब बचपन में भी नहीं सोती थी, माँ मना करती थी कि सब संसार सो रहा है, माई कहे सुन धीवड़ी कहे गुड़ फूली, लोग सोमे सुख नींदड़ी और तू रैणच भूली, रात रात भर भूली भूली फिर रही है, सारा संसार सो रहा है। मीरा ने उत्तर दिया था गैली दुनिया बावड़ी ज्या को राम न भावे, ज्यारे हृदय हरि बसे त्या को नींद न आवे। यहाँ तो नींद नहीं आए तो लोग गोली खाते हैं किसी तरह साले को नींद आ जाए एकदम उल्टा मामला। तो नींद बुलाते हैं, और ये सब विमुखता के लक्षण है। विमुखता में अशांति होती है, विमुखता में ही भगवान ने कहा अशांतस्य कुतः सुखम्,
जब चित्त शांत नहीं सुख मिलेगा नहीं, चाहे हजार गोला गोली खा लो। मूल जो कारण है वो तुम्हारा मन है। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावितः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। तो ये सब जो चीजें हैं भक्तों में नहीं होती हैं। मीरा जी सोती नहीं थी, और हमने इसलिए कहा ऐसे महापुरुष हमने देखे आंखों से, सुने नहीं बल्कि देखे। और वही बात पंडित जी में, हरिश्चंद्र जी में थी, वही बात मौनी बाबा में थी। रात को, जाड़े की रात में हम जब आए थे नए नए, तो हमको प्रेमियम तो है नहीं, डर के मारे नींद नहीं आता था। शहरों में बिजली, घर में बिजली, अब तो खैर जंगल में बिजली आ गई है, तो हम भी जगते थे, लेकिन प्रेम के कारण नहीं, भय के कारण। अकेले थे और मानगढ़ में भी अकेले थे, वहाँ तमाम सर्प वर्प अड्डा था डाकुओं का, लेकिन बहुत भय लगता था। लेकिन वो भय को छुड़ाना है इतना जरूर था। दैवी संपत्ति का पहला लक्षण है अभयम सत्व संशुद्धि, 16वें अध्याय में। आखिर डरने से मौत तो टलती नहीं, भय को हटाना ही चाहिए। रहना जंगल में ही है, तो कुछ नहीं, सब अभ्यास से चला जाता है। और हमें एक बात याद आती है कि जब हम ऊपर रहते थे तो माता जी अकेली रहती थी यहाँ, छो कुटिया पर टूट गई, तो डाकू आए थे गहबर बन में, फायर किया था, सब संत चले गए थे, दो चार जो रहते थे गांव में। तो हम माता जी के पास आए, हमने कहा तुम भी मानगढ़ चलो हमारे पास। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, मानगढ़ हम चलें, मौत आएगी, क्या तुम रक्षा कर लोगे? हमने कहा रक्षा तो हम नहीं कर सकते। बोले ठीक है, हम तो यहीं हैं, कहीं गांव में नहीं गई हैं, पास में इनका रसकुंज, रस मंदिर है, मानपुर है। परिस्थितियों से वो लड़ी, और इसीलिए उनको ब्रजवास सफल मिला। आज उनके ही नाम की गौशाला चल रही, 10,000 गायें। परिस्थितियों से मीरा लड़ी, इसको साधन कहते हैं। दैवी संपत्तियों को लाने का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन आज का जीव इतना सुविधावादी है कि चूहा को देख करके टट्टी फिर मारता है, छिपकली को देख के डरता है। अब क्या साधन कर, क्या निर्भयता आएगी जीवन में? तो वो बड़े बड़े महापुरुषों को हमने देखा, वो रात को 1:30-2 बजे जाड़े की रात में आवाज आ रही थी मौनी जी के कमरे से, जैसे किसी से बात कोई कर रहा हो। तो हमने कहा तो कभी बोलते नहीं कि इनके पास कोई से आदमी पहुंच जाएगा, वो तो सब काट दिया झाड़ी कांटे की, आगे दरवाज़ा नहीं था इतना सा घुसने का, कांटे की झाड़ी में हम छिप के इधर बैठ गए कि देखे किससे बात कर रहे हैं, कौन है। तो उनको अनुभव हो रहा था, वो फुलवारी में पढ़ार रही हैं महारानी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शरीर कांपने लग गया, इस तरह से इसे जाड़ा लग रहा हो।
तो मानसी सेवा जब शरीर में उतर जाती है तब तो सिद्ध हो जाती है। वही उनको शरीर से अग्नि प्रकट भई थी। थोड़ी देर बोले अच्छा खड़ा है सुन रहा है, दीवाल अंधेरी रात कांटे, हम समझ गए अंतर्यामी हैं, इनके हमारे खड़े होने से बाधा हो, चुप हो गए, बोलना बंद हो गया, तो हम चले आए यहाँ। तो हमने ऐसे महापुरुष देखे हैं जो वास्तव में सोते नहीं थे, सुने नहीं देखे हैं। जिसको लगन लग जाती है वो कहीं सोता है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, भगवान ने कहा 2:69 में, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। सखी मेरी नी नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो, उसने पूछा क्यों मीरा, बोले वो आए नहीं ना। कौन? वही सांवरा, उसकी बाट देखती हूं, जाने किधर से आ जाएगा। जैसे शबरी को था, जैसे सुक्तक्षण जी का चरित्र जिसने पढ़ा हो रामायण में, कहां जा रहे हैं आगे की पीछे की दक्षिण की उत्तर कुछ पता नहीं। को मैं चले हूं पंथ नहीं सूझा, दिस असुविदित कुछ नहीं सूझा। ये प्रेम का दीवानापन होता है। पीको पंथ निहारत सकिरी, रैन बिहानी हो, रैन बिहानी हो। रात बीत गई सारी, इसको प्रेम कहते हैं। इसको हम जैसे संसारी आदमी क्या समझेंगे। सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। राणा की गुप्तचरियां सिखाती थी, मीरा देखो तुम रानी हो, ये सब रोना गोना छोड़ दो और सबसे बोलो, तुम्हारा दुख कम हो जाएगा, तुम बोलती नहीं हो, अकेले रोती हो, चलो चलो महल में, वो देखो वहाँ उत्सव हो रहा है, गीत हो रहे हैं, तमाम सिखाती थी। सखियन मिल मिले सीख दई पे, सखियन मिल सीख दई। बोले तू रोती रहती, अरे सबके साथ बैठ बोल हंस, तेरा दुख मिट जाएगा, देखो हमको दुख नहीं है। वो अपने हिसाब से बेचारी सिखाती थी, अकेली पड़ी रोती रहती है, सबसे मिले बात करे मन बहल जाएगा। सखी अन्न मिल मिल सीख दई, सखी मिल सीख दई।